रेवतीपुर थाना क्षेत्र के अठटा गांव में बुधवार की शाम बाढ़ पीड़ितों को ले जा रही नाव बाढ़ के पानी में डूब गई। इस दुर्घटना में जहां दो लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग लापता हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जिलाधिकारी SP सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और NDRF की टीम की मदद से डूबे लोगों की तलाश शुरू करा दी। घटना के संबंध में बताया गया कि बाढ़ प्रभावित अठटा गांव के लोगों के आवागमन के लिए प्रशासन की तरफ से नाव की व्यवस्था कराई गई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो एक मंझली नाव में करीब 35 लोग की संख्या में लोग पशुओं का चारा सहित अन्य घरेलू सामान लेकर बैठे थे। जैसे ही नाव खुली और करीब 100 मीटर आगे बढ़ी कि नाव का जनरेटर बंद हो गया और ओवरलोड होने की वजह से नाव में पानी भरने लगा। इससे उस पर सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग शोर शराबे के बीच नाव से कूदने लगे, जिसमें गाँव के डब्लू गौड़, नगीना एवं नाव चला रहा नाविक सहित अन्य कई लोग गहरे पानी में चले गए। आनंद फानंद में ग्रामीणों ने डब्लू, नगीना और नाव चालक को पानी से बाहर निकाला। उनकी हालत खराब होने पर अस्पताल लाया जा रहा था। इसी बीच रास्ते में डब्लू और नगीना की मौत हो गई। वहीं गांव के 3 लड़के और 2 लड़कियां लापता हैं। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी MP सिंह, पुलिस अधीक्षक रोहन पिपोत्रे, सेवराई SDM राजेश चौरसिया सहित अन्य अधिकारी और NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई। सैकड़ों ग्रामीण भी मौजूद रहे। बता दें कि अभी मिली जानकारी के हिसाब से NDRF टीम और गोताखोरों की मदद से डूबे लोगों की तलाश की जा रही है।